बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के लिए दुखद खबर है। भिलाई के फरीदनगर में एक 26 वर्षीय युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। एम्स ने मामले की इस बात की पुष्टि की है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 23 हो चुकी है। कुल संक्रमित मामले 59 हो चुके हैं और स्वस्थ होकर जो घर को लौटे हैं 36 लोग अभी तक इलाज कराकर घर लौट चुके हैं। यानी कि अभी तक छत्तीसगढ़ काफी यहाँ पर अभी बचा हुआ था कोरोना से, लेकिन अब अचानक से जो नए मामले सामने आ रहे हैं, चिंताजनक बात यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज से बता सुप्रिया पांडे फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुप्रिया, नए मामले भी सामने आए हैं, दुखद खबर छत्तीसगढ़ के लिए, प्रशासन कितना अलर्ट है? बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ के लिए दुखद खबर है, क्योंकि अभी जो है लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में जो 2 नए मामले सामने आए, इससे जो स्वास्थ्य विभाग है, चाहे प्रशासन की बात करें, चाहे राज्य सरकार की बात करें, सभी सकते में आ गए। इस वजह से जो है काफी एहतियात बरती जा रही है। 2 दिनों में 2 केस जो एक तरफ से कहा जा रहा था कि आंकड़े जो है वो थम गए हैं और छत्तीसगढ़ ने कोरोना से जंग जीत ली है, लेकिन जंग जीती नहीं है, बल्कि अभी तो बाकी है। सभी मैदान में अभी कोरोना जो है वो फिर से लड़ने को तैयार है। तो इस तरीके से जो मामला है वो छत्तीसगढ़ में है। 2 दिन में 2 नए मामले सामने आना, आपको बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो कोरोना मरीज की जो संख्या है, टोटल आंकड़े हैं वो 59 पहुंच चुके हैं। और इस तरीके से जो मरीज है वो लगातार उनकी संख्या में जो है इजाफा होता जा रहा है। और राज्य में जो एक्टिव मरीज है उनकी जो संख्या है वो 23 हो चुकी है। आपको बता दें कि कल ही जो है भिलाई से जो महिला है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। उसके पहले राजधानी के सरस्वती नगर इलाके में जो 24 वर्षीय युवक है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, और इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो नहीं थी। तो इस तरीके से जो कोरोना मरीज मिल रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी सख्ते में आ गया है। और साथ ही युवक की हर जो आसपास की जो जहाँ पर वो गया था उस तमाम जगहों की जांच की जा रही है। साथ ही रायपुर के 6 इलाकों को कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया है, और साथ ही इस इलाकों के जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल जैसी आवश्यक सामग्री लेने के लिए ही निकल पाएंगे, उसके अलावा उन्हें घर से निकलने के लिए मना किया जा रहा है। और साथ ही पुलिस बल भी भारी संख्या में तैनात है। जी सुप्रिया, आपके पास वापस आ रहे हैं अगली खबर के पर अपडेट्स लेने के लिए। और इसी बीच